सो ये ओवर सब कुछ हम बैक टू पहने वीडियो आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने बोली थी कि एक नया रिकॉर्डर ढूंढने के बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, जो कि मैंने कह दी 5 मिनट से ज़्यादा हो नहीं सकता उसमें। सो ये आई एम बैक। तो आज हम एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, वो होने वाला है कि मेरे को अपने आइडेंटिटी बनाना है एक अच्छा सा वेयर हाउस, स्टोरेज वेयर हाउस, जहाँ पर मैं सो ठीक है समझ रहे हो, स्टोरेज वगैरह चाहिए अभी है नहीं, तो 2-3 लाख लगने वाले हैं। ओ शिट, मैंने पूरे क्यों निकाल लिए, मर गया तो अभी ख़त्म हो जाएगा ना सारा फिर। तो मैं सब डिपॉजिट करने के बाद 1-2 लाख निकाल लेंगे, तो 150 के निकाल लेता हूँ, इतने की ज़रूरत पड़ जाएगी शायद, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, नहीं सही में काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। तो अभी हम आ जाएंगे अपने बिल्डर वाले भाव के पास और चलो ले लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो भाई हमें ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज की ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी इतना ही ले लेता हूँ। और फिर प्रिज्मरीन ब्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, आई थिंक बस इतने ही ज़रूरत पड़ेगी। एंड मुझे अभी एक दिक्कत है, और एक सेकेंड, हाँ अभी मुझे अपनी इन्वेंट्री गाइस खाली करनी पड़ेगी क्योंकि सामान नहीं है, मतलब स्पेस कम है। सो यस, अभी ये सब हटा देते हैं और बाकी का सामान वगैरह ले लेता हूँ। और क्या क्या चाहिए हो सकता है, मैं अभी मेरा पूरा डिज़ाइन क्योंकि सोचा नहीं है। एंड सो अब मैं सोच रहा हूँ और कौन सी ब्रिक ली, डार्क प्रिज्मरीन आई गैस की मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और वुड वर्किंग में जाके थोड़ा बहुत ले लेते हैं, चेस्ट की सब ज़रूरत पड़ेगी, पर चेस्ट है मेरे पे। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कुछ काम आने वाला है, थोड़े से बुक्स शेल्फ्स ले लेता हूँ, बस 64 एक स्टैक और ले लेता हूँ, हो सकता है काम आ जाए। एंड यहाँ पे जाके और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे लीव्स की ज़रूरत है, लीव्स होंगी यहाँ पे होनी चाहिए, ये रही, तो मैं ओक लीव्स ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ, मुझे ओक लॉक चाहिए, ओक लॉक नहीं है क्या वैरायटी में जाके, ओके यहाँ पे ये भी है पिल्लर ब्लॉक्स, इनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। और अभी और चीज़ें ले जाऊँगा मैं आके, अभी तो आई गेस इतने में हो जाएगा काम, अभी तो पैसे में वो हम डाल दूँगा कि पर चले बीच में लटक जाऊँ तो चले जाए यहाँ पे, तो कोई रिस्क नहीं लेना। एंड ओके, तो अब देखो मैंने जहाँ पे शॉप बनाई है मैंने सोचा है कि वहाँ पे हम बिल्डिंग का काम चालू करूँगा मैं, ठीक है। एंड जो रास्ता है वो मैं बनाने वाला हूँ ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज से, और क्यों नहीं, अमीरी बहुत दिखानी है। एंड अभी तो मैं ऐसा कोई मॉडिफाइड पाथ नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली बना रहा हूँ, एंड आई गेस कि नॉर्मल ही रहने वाला है, मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे इससे बनाना चाहिए था। और मैंने अपनी पिकैक्स भी डाल दी, नाइस। ओके ये ले लेता हूँ, एंड हियर वी गो। एंड मेरे को शॉप के थोड़ा सा राइट में बनाना है, कॉस्ट भी थोड़ा अच्छा लगेगा वो, और मैं बहुत ज़्यादा फालतू के ब्लॉक्स लगा रहा हूँ। एंड ये ऐसे थोड़ा सा बस राइट में करना,
एंड हियर वी गो, इट्स ऑलमोस्ट डन। और चलो बस हो गया एक्सपेंडिशन का काम। ओके एकदम बराबर है, ठीक है एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड अब एक्सपेंडिशन मैं उसके जस्ट एक ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ूंगा, बस एक ब्लॉक का डिस्टेंस। ओके मैंने वो भी नहीं छोड़ा, नाइस नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। चलो अब इधर से भी मैंने कितने ब्लॉक एक्सपेंड करा है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक करा है, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स बाई सिक्स का है, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना ठीक है। एंड अब चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं छोटा है, यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, 6x7 का बनाता हूँ, 7 नहीं 8, 6x8, 6x8 इतना काफ़ी रहेगा गाइस, 6x10 कर लेता हूँ ठीक है, 9 एंड 10 ये भी को। और उसके बाद यही ऐसा इतना ही एक्सपेंड यहाँ से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये भी को। हाँ मैंने एक ब्लॉक ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, चलो छोड़ो चलता है। ये हो चुका है अपना बेस रेडी। अब आई नो कि इतना ज़्यादा मैंने अच्छा या कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बनाया, मैं भाई बिल्डर नहीं हुआ सही बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बनानी नहीं आती। एंड वेट अ मिनट, तो अभी यहाँ पे जो बेस है वो रेडी हो चुका है एंड उसमें ऑलमोस्ट 3 स्टैक लग चुके हैं हमारे क्वार्ट्स, पूरा मैंने वो फिल कर लिया है, बेस बना लिया है। अभी आई थिंक मैं फ्यूचर में उसको और एक्सपेंड करूँगा मुझे लगता है, तो पूरा तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। एंड हम इसके मैं पिलर्स बनाने के लिए सोच कर रहा हूँ, यही यूज़ कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं एक प्रोग्रेशन ही होना वाली है, तो ये पिलर क्वार्ट ब्लॉक है क्योंकि मैं 1-1 के डिस्टेंस पर लगा देता हूँ। एंड इसको और एक्सपेंड करते हैं, पहले दो दो का कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पिलर्स भी लग चुके हैं, जिस तरह से मैं बिल्ड वगैरह करने वाला हूँ। अभी हमें मतलब मुझे इसे थोड़ा और एक्सपेंड करना है, बस मैं इतना एक्सपेंड करूँगा। तो ये मैंने करा है 1 2 3 ब्लॉक और एक्सपेंड करा है, तो सबको मैं इतना ही एक्सपेंड करके मिलता हूँ। चले रामा, हाँ
ये कह रही है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा उधार ले रखा था कृष्णदेव राय के पूर्वजों से, है ना? सुन रही हो ना? तो वो वापस करने आई है। ये भी लोभ का ही होगा, कोई लोभ का ही होगा ये। तो यहाँ पे पिलर्स का भी काम हो चुका है, तो अभी बाकी सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ इसकी वो बनाने का, रूफ बनाने का। तो रूफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक डिज़ाइन सोचा है, इसको हम पहले ये लेते तो जाते हैं, पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे ब्लॉक्स कम पड़ गए थे जितना करा था उसके बाद, एंड रूफ का मैं तुम्हें मेन डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो इसीलिए मैंने वाइज आर्मर पहन रखा है AOT की वजह से। तो अभी भी मैं नीचे गिर जाता हूँ तो बीच में टक जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिज्मेरियन ब्लॉक लगाए हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है ये स्टेयर्स। इससे हम मतलब मैं बनाने वाला हूँ रूफ, ऐसी अच्छी लगेगी एंड दिखा देता हूँ तुम्हें। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि पूरा बन पाएगा इस वीडियो में ये वेयर हाउस, और पूरा करने वाला हूँ। चलो कर लेते हैं फिर पूरा। तो ये एक और लेयर बन चुकी है एंड यहाँ पे एक लेयर और मैं स्टेयर्स की लगा देता हूँ। चलो ये लगा देते हैं एंड आई थिंक मैंने थोड़े ज़्यादा ही ख़रीद लिया स्टेयर्स, और मैंने हर चीज़ ज़्यादा ख़रीद लिया मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये भी निकाल देता हूँ और उसके बाद ये लगा देता हूँ। बस आई होप कि ये बराबर हो जाए, करके देखते हैं। एक स्टैक में हो जाएगा काम, फालतू में तीन स्टैक ले आया हूँ। एंड रूफ होने वाली है कंप्लीट ऑलमोस्ट। प्रिज्मरीन ब्लॉक का भी इतना ज़्यादा मतलब हाँ ठीक है, यूज़ तो हुआ, यूज़ तो पड़ा, मतलब दो स्टैक तो यूज़ पड़ा पर मैं ज़्यादा ही ले आया क्योंकि मैंने छोटा बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। एंड ये बन चुकी है इसकी रूफ, काफ़ी सही, काफ़ी ज़्यादा ही सही लग रही है। तो अगर मैं अंदर से दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। एंड अभी यहाँ पे
रोशनी के लिए लैंटर्न वगैरह भी लगाऊंगा ना। और अब देखो यहाँ पे ये मैं लगाने वाला हूँ, ऐसे लीव्स मैंने इसीलिए ली थी, और भी रैंडमली लगाऊंगा मैं क्योंकि रैंडम डेकोरेशन भी अच्छी लगती है मुझे। एंड ये हो गया और ये हो गया। चलो मैं ऐसे यहाँ पे पूरे डिस्टेंस में लगा के मिलता हूँ। तो ये हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो सारे लीफ लग चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अब यहाँ पे जो मैंने बुक शेल्फ लिए हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब काम आने वाला है। तो अब ये भी रैंडमली लगेंगी, लाइक मैं सोच रहा हूँ ये इसे ऊपर लगा देता हूँ, ये ऐसे सही लग रही हैं। आई थिंक हाँ अच्छी लग रही है। तुम लोगों को कैसी लग रही है, मतलब कैसा लग रहा है पूरा स्टोर हाउस? दो स्टैक तो मैंने फालतू में लिए हैं, सब चीज़ें एक्स्ट्रा ली हैं मैंने। ये तोड़ लेता हूँ, तो देखो सही लग रहा है ठीक है। एंड बाकी यूज़ कर ही लेता हूँ अब लाइन को। और ये ऐसे तो मैं तुम्हें ये भी दिखाता हूँ, इसको ऐसे रख देता हूँ। हाँ तो ये भी अच्छा लग रहा है। एक तो ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये है ऐसे एक दो तीन चार, ये ऐसे हो गया एक दो तीन चार, ये पाँच, ओके तो ये हो चुका है। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुका है पूरा हमारा बेसिक डिज़ाइन, बेसिक है ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखे बेसिक सा बनाया है ना, ज़्यादा ऐसा नहीं बनाया कॉम्प्लिकेटेड लाइक टाइप। अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपने चेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है। तो चलो चेस्ट लेने चलते हैं। और और यहाँ पर चलो बस ट्री कैपिटल ले लेते हैं, ट्री कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी एक्स है, चलो ये लेते हैं। और यहाँ पर जितने चेस्ट्री ले लेता हूँ, आई थिंक मुझे नहीं लेने चाहिए, पर अब जब वो बन गया स्टोरेज रूम सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिल रहा है ना, हाँ 24 नाइस। काफ़ी सारा सामान निकल के आ रहा है, गेम ना फट जाए बस। अब इस सबका एक ही इलाज मतलब वो है सॉल्यूशन की, मेरे को ये सब तोड़ना पड़ेगा नहीं तो गेम फट जाएगी पूरी। सॉरी भाई तोड़ दिया मैंने। अब
भोजन तैयार है। टेलीफोन कर रहा हूँ ना, भूख लगी है, आप मिलकर भोजन करो। तो चलो ले लेते हैं। आज मैं आपको कैसे बताऊं कि देवी चित्रांगदा के स्थान पर मुझे एक मायावी भूमि दिखाई दी थी। यहाँ से हम निकलते हैं और इस जगह को तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। इस जगह को कर देंगे रिपेयर बाद में। अब इसको छोड़ते हैं और अपना वेयर हाउस कम्प्लीट करते हैं। सामान और आइटम फ्रेम हम कर लेंगे ट्रांसफ़र, या मैं ऑफ कैमरा कर लूँगा। तो चलो लास्ट काम करते हैं एंड देन ये हो जाएगा कम्प्लीट। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं तुम्हें करके मिलता हूँ। और चेस्ट कम पड़ गए थे तो ये फाइनल चेस्ट लेके मैं आ चुका हूँ। एंड हियर इज द फाइनल लुक, तुम देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं आइटम फ्रेम लगा दूँगा और डिस्क्राइब वगैरह करूँगा। और इन फ्यूचर ये और तगड़ा होने वाला है। और रास्ते को हम अभी इम्प्रूव अभी करता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है, देखते हैं। अभी वाला मैं खुद सोचता हूँ और मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ या नहीं वही सोच रहा हूँ। तो गाइस मैं सोच रहा था कि ब्रिज ब्रिज नहीं बना रहा, बस ये बनाना है। तो बाकी और जो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।